चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैथ। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में फर्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस में टाइम के साथ जो चेंज होता है वो वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी को वी से डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस में टाइम के साथ जो चेंज होता है यानी डीएक्स बाय डीटी, इसे हम वेलोसिटी से डिनोट करते हैं यानी वी से डिनोट करते हैं। इसी को हम एक्स डॉट भी लिखते हैं। डॉट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। एक्स डॉट एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है, डीवी डिवाइड बाय डीटी, ये कहलाता है एक्सेलरेशन। इसे एफ से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं डी बाय डीटी। यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीन्स डीएक्स बाय डीटी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्केयर एक्स बाय डीटी स्केयर। अब x का फर्स्ट डेरिवेटिव था तो हमने लिखा x डॉट। x का सेकंड डेरिवेटिव है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? x डबल डॉट। ओके, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल। अगर किसी एक पार्टिकल के द्वारा कोई डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लिया कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है तो पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू किया इन टाइम टी सेकेंड इज। अब टी सेकेंड में वो यहाँ पर मान लिया यहाँ इस ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट किया पार्टिकल ने और ए पॉइंट पर आ गया, तो ओ से ए तक आने में टाइम कितना लगता है? टी सेकेंड। इन टाइम टी सेकेंड इज, तो टी सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 2t³ - 9t² + 12t + 6 मीटर। फाइंड व्हेन इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो हमें क्या फाइंड करना है कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो कब होगा एंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट दैट टाइम, और उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? अब अगर हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस है हमारे पास 2t³ - 9t² + 12t + 6 एट टाइम टी सेकंड पर डिस्टेंस हमें गिवन है। अगर हम यहां से वेलोसिटी फाइंड करें तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी dx / dt के इक्वल होती है। x का t के लिए डेरिवेटिव करें तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? 6t² - 18t + 12। लेकिन क्वेश्चन क्या है? एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, ये किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t यानी वेलोसिटी का t के रिस्पेक्ट में चेंज। अब वेलोसिटी में चेंज क्या होगा हमारे पास? 6t² इट मीन्स वेलोसिटी का टाइम के लिए डेरिवेटिव करना है तो ये आ जाएगा 12t - 18। अब क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। फाइंड व्हेन इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो, उसका एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो कब होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो कब होगा टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा? 12t - 18 = 0। 12t = 18 या टी इज इक्वल टू यानी टाइम इज इक्वल टू 18/12। 18/12 का मीन्स 3/2, इट मीन्स टी इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो जब टी की वैल्यू यानी टाइम की वैल्यू 1.5 सेकेंड होगी, उस कंडीशन में उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? एंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट दैट टाइम, उस समय उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर जिस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस टाइम पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। इट मीन्स t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखो, एट टाइम t
इज इक्वल टू 1.5 सेकंड। वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी किसके इक्वल थी, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था ना, 6t² - 18t + 12 टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 6t² टी 1.5 यानी 3/2 स्केयर माइनस 18t 3/2 प्लस 12 तो v इज इक्वल टू क्या सॉल्यूशन हुआ हमारे पास 3 3 = 9 2 2 = 4 6/4 6/4 का मीन्स 3/2 माइनस 18 3/2 ये हमारे पास क्या देगा 54/2 प्लस 12 को हम लिख रहे हैं 24/2 तो v इज इक्वल टू 27 - 54 माइनस का 27 प्लस 24 माइनस 3/2 इट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस 1.5। वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड। आगे समझ में फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो इफ अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है सो दैट इट्स डिस्टेंस, इस तरह से मूव कर रहा है कि उस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट से एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर एन। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि एक्स किसी टाइम यानी डिस्टेंस किसी टाइम टी पर टी रेज टू पावर एन के प्रोपोर्शनल टू है। इट मीन्स हमारे पास क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होगी वो गिवन है x इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू पावर n। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी हम प्रोपोर्शनल टू को सॉल्व करते हैं तो किसी भी एक कांस्टेंट को लिखा जाता है, तो प्रोपोर्शनल टू को हटाया हमने कांस्टेंट ले लिया k t रेज टू पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ v v द वेलोसिटी, अगर v उस पार्टिकल की वेलोसिटी है एंड f द एक्सेलरेशन, और f एक्सेलरेशन है एट एनी टाइम t किसी टाइम t पर, then prove that, तो हमें प्रूव क्या करना है velocity का square, v square is equal to nfx minus n minus 1। अब देखो हमें v का square calculate करना है किस form में, f की form में, तो यहाँ से हम v calculate करेंगे, f यानि velocity और acceleration find करेंगे। velocity किसकी equal होगी dx by dt के equal, it means x का t के लिए derivative किया, k constant, t raised to power n का derivative करेंगे तो n t raised to power n minus 1। इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इट मीन्स डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा एन के एन माइनस वन टी रेज टू पावर एन माइनस टू। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी का स्केयर इज इक्वल टू एन एफ एक्स माइनस एन माइनस वन, तो हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, एन एफ एक्स अपॉन में एन माइनस वन n डिवाइड बाय n माइनस वन, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। f एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है n k n माइनस वन t रेज टू पावर n माइनस टू मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू है हमारे पास k t रेज टू पावर n, n माइनस वन से यहाँ पर n माइनस वन कैंसिल हो रहा है, तो देखो सॉल्यूशन में क्या बचा n स्केयर k स्केयर t रेज टू पावर n माइनस टू t रेज टू पावर n, इट मीन्स t रेज टू पावर 2n माइनस टू। ये एन स्केयर के स्केयर टी स्केयर कॉमन लेंगे तो एन माइनस वन, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचा है एन के टी एन माइनस वन कंप्लीट का होल स्केयर, एन के टी एन माइनस वन यहाँ चेक करो वेलोसिटी के इक्वल है, वेलोसिटी स्केयर है तो स्केयर, ये किसके इक्वल है सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। ओके आगे समझ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जो इसी से रिलेटेड है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव्स टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट विद अ वेलोसिटी, एक पार्टिकल मूव करता है टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट किसी भी एक फिक्स पॉइंट की तरफ। मान लीजिए ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से एक पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया इस फिक्स पॉइंट की तरफ विद अ वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी से मूव करेगा वेरिंग एज एनी पावर। अब वेलोसिटी के बारे में हमें क्या लिखा हुआ है, वेरिंग एज एनी पावर ग्रेटर देन इक्वल वन ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस की किसी भी वी पावर के इक्वल होगी वो वेलोसिटी फ्रॉम दैट पॉइंट, उस पॉइंट से डिस्टेंस के किसी भी पावर के इक्वल होगी। तो वेलोसिटी के बारे में हमें क्या लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू,
डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने मान ली कि यहाँ से यानी जिस पॉइंट से पार्टिकल ने चलना शुरू किया और फिक्स पॉइंट तक आना है, उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, एक्स होगी। तो वेलोसिटी किसकी इक्वल है, डिस्टेंस की किसी भी पावर के प्रोपोर्शनल टू होगी। अब अगर ये किसी भी पावर के, पावर के बारे में हमें क्या लिखा है कि वो पावर वन या वन से ग्रेटर होनी चाहिए, इट मीन्स वेयर एन, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, या तो वन होगी या वन से ग्रेटर होगी। प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए द पार्टिकल विल नेवर रीच दिस पॉइंट। तो यहाँ से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, इस पॉइंट तक आ रहा है, तो हमें प्रूव क्या करना है, द पार्टिकल विल नेवर रीच दिस पॉइंट। तो ये पार्टिकल इस पॉइंट तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा, कब, अगर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू पावर एन के इक्वल है तो। अब देखो हमें इसे किस तरह से प्रूव करेंगे, वेलोसिटी हमें गिवन है प्रोपोर्शनल टू, अगर प्रोपोर्शनल टू को सॉल्व करें तो ये इक्वल किसके होगा, किसी भी कॉन्स्टेंट के, मान लिया वो एक कॉन्स्टेंट है कि एक्स रेस टू पावर एन, वी मीन्स डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स रेस टू पावर एन। अगर हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट करें तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई के एक्स रेस टू पावर एन। इंटीग्रेशन करें ऑन, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन क्या, तो डी टी का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो के कॉन्स्टेंट हुआ डिवाइड बाई के एक्स रेस टू पावर एन, इसी को हम वन बाई के एक्स रेस टू पावर माइनस एन डी एक्स लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स रेस टू पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाई माइनस एन प्लस वन, इंटीग्रेशन किया तो साथ में कॉन्स्टेंट आएगा, तो टाइम टी इज इक्वल टू वन बाई के माइनस एन प्लस वन एक्स रेस टू पावर माइनस एन प्लस वन, अगर हम इसे डिवाइड में लिखे तो यह देगा एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आगे क्वेश्चन में लिखा है जो पावर है यानी एन की वैल्यू है या तो वो वन होनी चाहिए या वन से ग्रेटर होनी चाहिए, तो हम दोनों ही केस लेके स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट, मान लिया एन की वैल्यू वन के इक्वल है, अगर एन की वैल्यू वन के इक्वल है तो देखो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल होगा, इसे हम इक्वेशन नंबर टू लिख लेते हैं, ये इक्वल होगा के एक्स के, एन की वैल्यू वन रखी, यहाँ से डी टी अगर हम कैलकुलेट करें डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल है हमारे पास के एक्स के, तो यहाँ से अगर हम डी टी कैलकुलेट करें तो डी टी इज इक्वल टू वन बाई के डी एक्स बाई एक्स, अगेन इंटीग्रेशन किया हमने, इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास क्या आएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी वन बाई के डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेशन किया तो लोग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट हमने सी ले लिया था सी वन। अब यहाँ पर देखो टाइम की वैल्यू हमारे पास आ रही है वन बाई के लोग एक्स प्लस सी वन, अब एक्स क्या थे, जिस पॉइंट से पार्टिकल ने चलना शुरू किया उस पॉइंट से लेकर जो एक फिक्स पॉइंट था वहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास एक्स थी, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब अगर हम एक्स को काफ़ी स्मॉल ले लें यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को अगर हम काफ़ी स्मॉल लें तो लेट एक्स इज वेरी वेरी लेस देन वन या एक्स इज इक्वल टू जीरो, एज्यूम कर लिया एक्स ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है, ओके जीरो नहीं है ऑलमोस्ट जीरो यानी हमने डिस्टेंस को काफ़ी स्मॉल लिया, अगर एक्स जीरो के इक्वल होगा तो टाइम किसके इक्वल हुआ, टी इज इक्वल टू वन बाई के लॉग जीरो प्लस सी वन, इट मीन सॉल्यूशन टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। अब टाइम अगर इन्फिनिटी आ रहा है, अब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में अगर हमें इन्फिनिटी टाइम लग रहा है, इट मीन्स उस पॉइंट तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, देन ये हमारा सॉल्यूशन था कि पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा तो इस फिक्स पॉइंट तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। अगेन केस सेकंड लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस द पार्टिकल इफ एन इज इक्वल टू वन देन द पार्टिकल नेवर रीच दैट पॉइंट, ओके अगर एन की वैल्यू वन है तो पार्टिकल कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगेन केस सेकंड, अब केस सेकंड में हमारे पास क्या था कि अगर एन की वैल्यू या तो वन होनी चाहिए या वन से ग्रेटर, अब हमने लिया एन की वैल्यू वन से ग्रेटर है, तो कैलकुलेशन करने पर टाइम किसकी इक्वल था हमारे पास वन बाई के
माइनस एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी के इक्वल था। अब सेकेंड केस में भी हम डिस्टेंस को काफी स्मॉल लेते हैं। अगेन एज्यूम दैट या लेट एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, यानी डिस्टेंस काफी स्मॉल है, तो हम टाइम चेक करते हैं कि टाइम कितना लगेगा। टाइम इक्वल टू अपॉन जीरो, एक्स अपॉन में है ना, एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, तो सॉल्यूशन अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। इट मीन्स अगर एन की वैल्यू वन से ग्रेटर है तो भी टाइम पार्टिकल को फिक्स पॉइंट की तरफ पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, इन्फिनिटी टाइम लग रहा है। दैट मीन्स पार्टिकल कभी भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके आगे समझ में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।